हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और फ्लावरिंग प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी लेके आया हूँ। इसका नाम है एक्मेलिया सिलिएट। ये इसको कुंठ घास भी कहते हैं। ये जनरली एग्रीकल्चरल जो लैंड होती है उसके अगल बगल में जहाँ पे भी पानी का सप्लाई अच्छा खासा होता है वहाँ पे ग्रोथ करता है। ये इस तरीके से दिखता है। ये देखिए इसका फ्लावर, देखिए आप फ्लावर, ये देखिए फोकस अभी नहीं हो रहा है कैमरे का ठीक से। ये देखिए इसका फोकस, देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से है। ये देखिए ये जो है, ये जो फ्लावर है ये सन फ्लावर की कैटेगरी में फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो फ्लोरल पैटर्न है ये देखिए, ये सनफ्लावर्स की कैटेगरी में बिलोंग करता है। साइलेट, ये जो 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 भी एक्मेलिया फैमिली है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्किडिया, ऑर्किड्स, डहलिया, ये सब सनफ्लावर, ये सब इसी के अंडर में आते हैं। इसको कुंथ भी कहते हैं हिंदी में। और इसमें इसको टूथहेड, जिसको भी दांत की समस्या है, टूथ की समस्या है, वो इसमें ठीक हेल्पफुल रहता है। वो इसलिए हेल्पफुल रहता है क्योंकि इसके अंदर में एल्केमाइड ग्रुप पाया जाता है फ्लावर्स के अंदर में। और इसको जनरली जीभ पे रखते हैं तो पानी निकलता है बिकॉज इसमें एल्केमाइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिड होता है, बायोलॉजिकल एसिड है, कार्बोनिक एसिड है ये, जिसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है। एल्काइल ग्रुप प्लस एमाइड ग्रुप जो मिल के बनता है। अगर हम इसका रूटिंग पैटर्न की बात करें तो ये देखते हैं, जहाँ जहाँ पे भी नोड होगा वहाँ से रूट जनरेट होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये रूट जनरेट हो रहा है। इस नोड पे जनरेट हो रहा है, फिर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है, यानी कि अपना ग्रोथ जो है लेयरिंग के थ्रू बनाता है। लेयरिंग के थ्रू ही आपस में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये देखिए, और इसका जो, ये देखिए, ये जो लीव स्ट्रक्चर है, लीफ स्टाइल, वो इस तरीके से ग्रोथ करता है। ये देखिए, ये सब अपोजिट होता है, रेटिकुलेट वेनेशन है और लीफ अपोजिट ग्रोथ करता है और टिप पे ही बर्ड्स निकलते हैं। देखिए देखिए टिप पे एक फ्लावर बर्ड निकलेगा। ये तो कैमरे का फोकस उतना अच्छा नहीं है बट होप आप इसको समझ पाए होंगे। अगर समझ गए हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। इसका नाम आपको पता चल ही गया है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसको जब हम टंग पे लगाते हैं तो हमारे लार्वास ऑटोमेटिकली सीक्रेट होने लगते हैं। यस, दिस इज एक्मेलिया सिटिलियट। एक बार और, हिंदी में इसको कुंठ घास भी कहते हैं और वैसे जनरली इसको सिबसिबी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब गांव के लोग इसको सिबसिबी भी बोलते हैं। ओके, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।